नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति और दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि बहुत जल्दी दोस्तों अगर इसी तरीके से व्हाट्सअप चलता रहा तो व्हाट्सअप बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से व्हाट्सअप बैन होगा, क्या कारण है व्हाट्सअप का बैन करने का भारत में, दोस्तों सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सको, कुछ नया वीडियो से सीख सको। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सअप का और गवर्नमेंट का ये कहना है कि व्हाट्सअप जो है बहुत जल्दी बैन कर देगी गवर्नमेंट भारत से, क्योंकि दोस्तों इसका एक कारण है। इसका क्या कारण है दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे से एक्सप्लेन करता हूँ या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों व्हाट्सअप की एक पॉलिसी है जिसमें दोस्तों उसने बोला है कि हमारा जो व्हाट्सअप है वो एंड टू एंड क्रिएशन पर काम करता है, यानी कि दोस्तों सिर्फ भेजने वाले को पता होता है कि वो क्या मैसेज भेज रहा है और सिर्फ रिसीव करने वाले को पता होता है कि वो क्या रिसीव कर रहा है, कौन सा मैसेज रिसीव कर रहा है या फिर कौन सा मैसेज भेजा जा रहा है। तो दोस्तों व्हाट्सअप की ये पॉलिसी है और व्हाट्सअप को खुद भी ये पता नहीं होता कि यूज़र किसे क्या भेज रहा है, यूज़र किसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है, किसे क्या रिसीव हो रहा है। दोस्तों व्हाट्सअप को खुद भी ये पता नहीं होता कि क्या व्हाट्सअप पर शेयर किया जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है या फिर क्या रिसीव किया जा रहा है। तो दोस्तों व्हाट्सअप की ये पॉलिसी थी कि व्हाट्सअप खुद भी ये पता नहीं कर सकता कि कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो कुछ दोस्तों के साथ शेयर किए जाते हैं या फिर कुछ मैसेज एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, तो व्हाट्सअप उनकी पॉलिसी को ब्रेक नहीं कर सकता। और दोस्तों गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करिए, नहीं तो हम दोस्तों आपका जो व्हाट्सअप है वो बैन कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसी काफ़ी फेक न्यूज़ है जो व्हाट्सअप के थ्रू फैल जाती है और व्हाट्सअप को ये पता नहीं चलता कि किसने वो फेक न्यूज़ फैलाई है, या फिर गवर्नमेंट को भी ये पता नहीं चल पाता कि किसने वो फेक न्यूज़ व्हाट्सअप पर फैलाई है। तो दोस्तों इसके तहत गवर्नमेंट ने जो है व्हाट्सअप को ये कहा है कि आप अपने जो पॉलिसी है उसमें फेरबदल कीजिए और फेरबदल करने के साथ साथ दोस्तों एंड टू एंड क्रिएशन हमारे साथ कोलैब कीजिए, यानी कि दोस्तों आप व्हाट्सअप जैसे कि दोस्तों व्हाट्सअप ने ये व्हाट्सअप से गवर्नमेंट ने ये कहा है यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि आप अपने जो है रूल को चेंज करिए और रूल को चेंज करने के साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत, मतलब इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कौन फेक न्यूज़ फैला रहा है। अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो दोस्तों व्हाट्सअप के और गवर्नमेंट के इस बीच में खटपन चल रहे हैं कि दोस्तों वो एक दूसरे के कोलैब नहीं कर पा रहे हैं और कोलैब नहीं कर पाने के कारण दोस्तों व्हाट्सअप का जो है काफ़ी घातक परिणाम भोगना पड़ सकता है। व्हाट्सअप को इंडिया से जो है बहुत जल्दी बैन कर दिया जाएगा अगर व्हाट्सअप इसी तरीके से चलता रहा तो। तो दोस्तों व्हाट्सअप ये कह रहा है कि हम अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कुछ प्राइवेट्स ऐसी मैसेज होते हैं या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ भी होती है जो दोस्तों जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या न्यूज़ भेज रहे हैं, क्या फेक कौन रिसीव कर रहा है, क्या भेज रहे हैं हम किसी को। तो दोस्तों अगर इस रूल को ब्रेक कर दिया जाए या फिर इस रूल को चेंज कर दिया जाए तो गवर्नमेंट तो ऐसे ही पता लगा लेगी कि हम किसी को क्या भेज रहे हैं या फिर किसी को क्या मैसेज हम भेज रहे हैं या फिर क्या बात कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है दोस्तों कि वह सिर्फ अपनी मनमानी नहीं करे, यानी कि दोस्तों वह सिर्फ काम के पर्पज पर से यूज़ करे उसे। तो दोस्तों व्हाट्सअप का ये कहना था कि हम अपनी पॉलिसी को जो है चेंज नहीं कर सकते और दोस्तों गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते तो दोस्तों बहुत जल्दी आपका जो है व्हाट्सअप बैन कर दिया जाएगा इंडिया से। और दोस्तों इंडिया से अगर व्हाट्सअप बैन होगा तो जो है व्हाट्सअप का जो है काफ़ी घातक परिणाम उसको भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया में लगभग 2 से 3 मिलियन यूज़र इंडिया से जो है बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया में व्हाट्सअप के 2 से 3 करोड़ यूज़र हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से व्हाट्सअप अगर बैन हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स उसके घट जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा उसका बिजनेस जो है ठप हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में अगर व्हाट्सअप ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया तो जो इसी तरीके से व्हाट्सअप पर फेक न्यूज़ वायरल होती रही तो दोस्तों बहुत जल्दी जो है गवर्नमेंट को जो है भारत में व्हाट्सअप बैन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट को ये पता नहीं चल पाता कि फेक न्यूज़ कौन भेज रहा है या फिर कौन दंगे फसाद करवा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों व्हाट्सअप पर फेक न्यूज़ भेज कर दंगे फसाद भी कर दिए जाते हैं बहुत सी बार। आपने देखा होगा दोस्तों व्हाट्सअप का एक नया जो है एड भी आया था कि खुशियाँ बांटिए अफवाहें नहीं, तो दोस्तों उसका यही कारण था कि व्हाट्सअप अगर इसी तरीके से चलता रहा या फिर व्हाट्सअप पर इसी तरीके से फेक न्यूज़ चलती रही तो एक दिन व्हाट्सअप जो है बहुत जल्दी बैन हो जाएगा इंडिया से। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सअप पर आपने देखा होगा व्हाट्सअप पर अभी इंडिया में हम 5 यूज़र से ज़्यादा किसी को मैसेज नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक अगर फेक न्यूज़ वाला बंदा होता है तो वह एक साथ किसी को 10 से 15 यूज़र को वो मैसेज भेज देता है और
भेजने के बाद दोस्तों वो जो मैसेज होता है वो इतनी जल्दी वायरल होता है कि दोस्तों फेक न्यूज़ जो है इतनी जल्दी वायरल हो जाती है जिसकी दोस्तों उस पर कोई लिमिट नहीं लगा सकते या फिर कोई उस पर लगाम नहीं लगा सकते। तो इसलिए लगाम लगाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज कर लीजिए वरना हम आपके व्हाट्सअप को बैन कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपके व्हाट्सअप से काफ़ी ऐसी फेक न्यूज़ है जो वायरल हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता कि कौन वो मैसेज को वायरल कर रहा है, और मैसेज को अगर वायरल करने वाला नहीं पकड़ा जाएगा तो वो फिर से किसी न किसी तरीके से दंगे फसाद करवाएगा और कुछ फेक न्यूज़ डालेगा, जिससे दोस्तों भारत में जो है दंगे फसाद फैलने की पूरी आशंका रहती है। इस वजह से दोस्तों भारत में बहुत जल्दी अगर व्हाट्सअप इसी तरीके से चलता रहा तो बैन हो जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी अपडेट और छोटी सी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सको, कुछ नया वीडियो से सीख सको। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।